हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ पाइथन पांडा सीरीज। आज हम बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं उनको पढ़ने के, उनको यूज करने के कई तरीके होते हैं। द फर्स्ट वे इज टू एक्सेस अ कंप्लीट सीरीज। पूरी की पूरी सीरीज अगर आपको एक्सेस करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली। तो ये मैंने पाइथन ओपन कर लिया है। पाइथन के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। So, मैंने यहाँ पर एक नया फाइल लिया। इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ और इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है test 1 2, and I saved it। सबसे पहले हमको पाइथन को, पांडास को यूज करने के लिए लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा। सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट एज इम्पोर्ट पांडास एज पी। पी एलियाज होता है पांडास का। तो पांडास के अंदर रखे हुए जितने भी फंक्शंस आप यूज करेंगे या क्लासेस यूज करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए हम पी का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द वर्ड पांडास। चलिए क्रिएट करते हैं सीरीज। हम यहाँ पर, मैंने वेरिएबल एस ले लिया है, इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज, और इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में जाकर कुछ एलिमेंट्स डाल देती हूँ। So I have entered certain elements over here। अब इसको complete series को अगर मुझे access करना है या use करना है, so what I will be doing, I will be mentioning the name of the series in print statement। So this is the way to access it। इसको मैंने लिख लिया है। Now I am pressing F5 key over here। और few seconds में आपको यहाँ पे list दिखाई दे जाएगी। Yes. तो ये हमारी लिस्ट है विद सम इंडेक्सेस ओवर हियर। यहाँ पे इंडेक्सेस आपको नजर आ रहे हैं और ये यहाँ पर आपको डेटा वैल्यूज नजर आ रही हैं। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एक्सेसिंग सीरीज। द सेकंड वे ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट इज एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अगेन सेम सीरीज में मुझे थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द सेम प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर मैं सीरीज पास करूंगी एस। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इंडेक्स पास करूंगी, दैट इज 3। तो आप इंडेक्स पास करके यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जो जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट है दैट इज 12, फर्स्ट इंडेक्स पे 23 है, सेकंड इंडेक्स पे 34 है और थर्ड इंडेक्स पर 45 है। तो करंट केस में मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज 45। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में एज 45 आया है। देन नेक्स्ट वे इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग स्लाइसिंग ऑफ द सीरीज। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग्स का स्लाइसिंग देखा था, लिस्ट का स्लाइसिंग देखा था, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। लेट्स सी इट हाउ कैन वी डू इट। तो स्लाइसिंग जब हम करते हैं तो हमारा जो सिंटेक्स हम फॉलो करते हैं दैट इज हम सीरीज का नाम लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं, देन वी पुट अ कॉलन साइन ओवर हियर एंड देन एंड इंडेक्स। और ये मैंने जब आपको स्ट्रिंग्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि एंड इंडेक्स आप मेंशन जरूर करते हैं बट वो एक्सट्रैक्ट होकर नहीं आता है बाहर। फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट्स जो देखने हैं वो कहाँ से कहाँ तक के देखने हैं, यू हैव टू व्यू एलिमेंट्स फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स। ओके, मैं यहाँ कमेंट में क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो वी वॉन्ट टू व्यू एलिमेंट्स फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स। अगर आपको थर्ड इंडेक्स तक के एलिमेंट चाहिए हैं देन यू हैव टू मेंशन इंडेक्स वैल्यू एज 4 ओवर है, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू आप यहाँ मेंशन करते हैं उससे एक कम आपको वहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर डिस्प्ले होगी। और स्टार्टिंग इंडेक्स हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0। तो जब आपने यहाँ पर लिखा है एस 0:4, इसका मतलब है आपको एलिमेंट 0th इंडेक्स का मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स का मिलेगा, सेकंड का मिलेगा, थर्ड का मिलेगा, फोर्थ इंडेक्स एक्सट्रैक्ट होकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज 56, सो इट वोंट कम आउट। तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स, F5 की प्रेस किया हमने, तो ये यहाँ पर आप देखिए स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट में 0, 1, 2, 3, तो 12, 23, 34 and 45 इज द रिजल्ट। चलिए देखते हैं आगे कुछ और वेरिएशंस इसके। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और अब हम यहाँ पर सेकंड इंडेक्स से लेकर
फिफ्थ इंडेक्स तक की वैल्यूज को फेच करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एस और यहाँ टू लिखा, मतलब सेकेंड इंडेक्स विल बी देयर। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलन फाइव, इसका मतलब है जो मेरे पास वैल्यूज बाहर निकल कर आएंगी वो कौन कौन सी आने वाली हैं, तो वो आएगी सेकेंड इंडेक्स की, थर्ड इंडेक्स की, फोर्थ इंडेक्स की। यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज बाहर निकल के आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, दे विल बी फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स टू फोर्थ इंडेक्स। ये इसका सेकेंड वेरिएशन है, इसको मैंने सेव किया यहाँ पर और फिर मैंने इसको F5 की प्रेस किया एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो ये देखिए सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू आया है, थर्ड का आया है, फोर्थ का आया है। देन लेट्स सी अनदर वेरिएशन इन द सेम प्रोग्राम। ये मैं ऊपर के आउटपुट्स जो हैं डिलीट कर देती हूँ। यस, नेक्स्ट वेरिएशन जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसी केस में, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेंगे। तो अगर आपको पता है कि यू हैव टू बिगिन विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू और कहाँ तक ले जाना है, तो मुझे यहाँ पर थर्ड इंडेक्स तक ले जाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसको एम्प्टी छोड़ दिया, देन ऑल्सो इट विल बी वर्किंग। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स मेंशन नहीं करते हो तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर लेता है। फाइव को मैंने सेव कर दिया है, इसको मैंने F5 की प्रेस किया एंड देन यू विल सी दिस आउटपुट फ्रॉम हियर। जीरोथ इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यूज बाहर आ गई हैं यहाँ पर, ठीक। देन वन मोर वेरिएशन इन केस अगर आप बात वाला जो एलिमेंट है वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेकेंड एलिमेंट में नहीं दे रही हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया टू, तो मतलब स्टार्टिंग तो कहाँ से होगा, इट विल बी बिगनिंग फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स। तो मेरे जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होंगे वो सेकेंड एलिमेंट से, इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट कम्प्लीट सीरीज। तो अगर आप यहाँ पे एंड इंडेक्स नहीं देते हैं, सेकेंड इंडेक्स टू लास्ट एलिमेंट, इसको मैंने फिर सेव किया, F5 की मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो देखिए लास्ट एलिमेंट तक के सारे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। सो दिस इज वन मोर वेरिएशन। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स देखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा S, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, देन आई वॉन्ट टू सी द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 6, मतलब 1 to 5 इंडेक्स तक। तो जब मैं ये वाला कमांड प्रोसेस कर रही हूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वो फर्स्ट इंडेक्स का होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट डिस्प्ले होगा। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो एलिमेंट्स डिस्प्ले हों वो कौन कौन से हों, फर्स्ट इंडेक्स वाला हो जाए, सेकेंड वाला हो जाए, फर्स्ट इंडेक्स हो जाए, थर्ड वाला हो जाए और फिफ्थ वाला हो जाए। तो मुझे यहाँ गैप्स चाहिए दो दो के, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू यूज करूंगी इसके साथ में। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 1 इज द स्टार्ट वैल्यू, 6 इज द स्टॉप वैल्यू और 6 वाला एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होकर नहीं आएगा एंड 2 इज द स्टेप वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ स्टेप्स के फॉर्म में भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसको मैंने F5 की प्रेस किया, तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फिफ्थ, ये आपको आउटपुट में मिला है। सो दिस इज स्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स, ओके। देन सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, थैंक यू।